और ब्रेक के बाद बड़ी खबर लखनऊ से है। राज्यपाल लालजी टंडन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर ने इसकी जानकारी दी है। अभी भी लालजी टंडन को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही रखा गया है और मेदांता के डायरेक्टर राकेश कपूर ने ये जानकारी दी है। कहा कि हालत गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है राज्यपाल लालजी टंडन की। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राज्यपाल लालजी टंडन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर ने इसकी जानकारी दी है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया है और जानकारी दी गई, बताया गया है कि हालत गंभीर है लेकिन स्थिर। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अलाउद्दीन, क्या बता रहे हैं डॉक्टर, अभी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही लालजी टंडन को रखा गया है? जी हाँ बिल्कुल, हालत में भी कोई सुधार नहीं है। जिस तरह से पिछले 48 घंटों से हालत उनकी थी, उसी तरह की हालत ना तो कभी बनी हुई है। जो क्रिटिकल केयर यूनिट के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो पूरी निगरानी कर रही हैं। अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके हाल चाल जानने के लिए मेदांता गई थी। उन्होंने करीब वहां पर आधे घंटे का समय दिया। वहां के निदेशक राकेश कपूर से पूरी जानकारी भी उन्होंने हासिल की और न्यूज 18 ने भी फोन पर तमाम जानकारियां जो राकेश कपूर से ली है वो 3 बजे की लेटेस्ट जानकारी उन्होंने दी है। और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि हालात अभी भी उनके जो है नाजुक हैं लेकिन स्थिर जो हालत उनकी बनी हुई है। और जिस तरह से आनंदीबेन पटेल की मुलाकात करते हुए जो फोटो भी बाहर आई है उसमें जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही लालजी टंडन मौजूद है। तो ऐसे में जो उनको ऑपरेशन तमाम हुए थे, खासतौर से फेफड़े और लीवर के साथ साथ गुर्दे की जो दिक्कत थी वो बदस्तूर बनी हुई है। चिकित्सक डायलिसिस भी उनको कर रहे हैं लेकिन अभी बहुत ज्यादा हालात में सुधार नहीं है। और खासतौर से जो मेडिकल साइंस का जो पैरामीटर है, जिस हिसाब से वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जिस जो है पैरामीटर पर रखा गया है, अभी उसी हिसाब से उसी पैरामीटर पर तमाम जो है मशीनें काम कर रही हैं। मेडिकल साइंस का मानना ये होता है कि हालात में जो सुधार होते हैं उस पैरामीटर यानी रक्तचाप का जो दबाव है या ऑक्सीजन का दबाव उसको कम करना होता है। लेकिन अभी फिलहाल जो 48 घंटों से इस तरह का रक्तचाप का दबाव या ऑक्सीजन का जितना प्रेशर मशीन को देना था, बिल्कुल अभी जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की। शुक्रिया आपका अलाउद्दीन इस पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है रायपुर से, जहां सीएम हाउस में दूसरी बैठक शुरू हो गई है। गृह विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और बस्तर रेंज के सभी पुलिस अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। सीआरपीएफ के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क मामले को लेकर भी इस बैठक में चर्चा चल रही है। तो दूसरी बैठक शुरू हो गई है मुख्यमंत्री आवास में, रायपुर में ये बैठक चल रही है। और एक और बड़ी खबर, राजधानी भोपाल में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। राजधानी भोपाल में 50 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मंत्रालय में आज तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। मंत्रालय में बाहरी व्यक्तियों की एंट्री बैन कर दी गई है। मंत्रालय के ऊर्जा विभाग में जो अटैच कर्मचारी है वो भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा सिस टैक्स ऑफिस में 3 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। साथ ही अरेरा कॉलोनी में एमपी पावर जनरेशन कंपनी में भी कोरोना फैल गया है। खबर शिवपुरी से, जहां रेत के अवैध खनन पर शिकंजा कसा गया है। प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की है। कोलारस बदरवास इलाके में छापेमारी की गई है। सिंध नदी से अवैध उत्खनन हो रहा था। दर्जन भर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। रेत के परिवहन में ये सभी वाहन लगे हुए थे। उत्खनन के काम में लगे लोग मौके से फरार हो गए। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। उधर केरल में गर्भवती हथिनी को अनानास में बम रखकर खिलाकर मारने की क्रूर घटना को लोग अभी भूले भी नहीं हैं। और ठीक ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के उमरिया में सामने आई है, जहां एक गाय को बारूद मिली खाद्य सामग्री खिला दी गई। इसे खाने से गाय का जबड़ा उड़ने से वो गंभीर रूप से घायल हुई। घायल हुई गाय का 2 माह का बछड़ा भी है। बता दें कि जिले के पाली निवासी ओम प्रकाश अग्रवाल की गाय 2 दिन से लापता थी और 15 जून की रात घर लौटी तो उसका जबड़ा लहूलुहान था। गाय मालिक ओम प्रकाश अग्रवाल ने मंगलवार को इसकी शिकायत पाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर संदेहियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। इधर कई सामाजिक संगठनों सहित गौरक्षक दलों ने
प्रतिनिधियों ने इस शर्मनाक घटना पर आक्रोश जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। विजेंद्र, क्या अभी तक निकलकर सामने आया कौन इस हरकत के लिए जिम्मेदार है? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से ये बेजुबान गाय के साथ क्रूरता हुई है वो बेहद ही निंदनीय काम है, और अब तक फिलहाल पुलिस की जांच में कुछ संदेहियों को जरूर हिरासत में लिया गया है, लेकिन क्लियर कट अभी ये बात सामने नहीं आ पाई है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। पुलिस पूछताछ में लगी हुई है और तेजी से जांच की जा रही है, और उम्मीद है कि जल्द ही उसका आरोपी जो अपराधी है वो सामने आएगा। शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उमरिया का ये मामला है, हालांकि पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।